सिलेंडर पे भी है, फ्यूल पे भी है, राशन पे भी है, फल फ्रूट पे भी है, शिक्षा पे भी है, हर तरह। हमारा यही है कि हमें अपना महंगाई मुक्त भारत चाहिए, उसी के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया। दिन प्रतिदिन आप सबने देखा कि जब 5 स्टेट में इलेक्शन थे, पेट्रोल के दाम इन्होंने थोड़े बहुत रोके हुए थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, तुरंत पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, सब चीजों के दाम बढ़ने शुरू हो गए, गैस के। अब साक्षी साहब, इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। आज यहाँ पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर ने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। आइए बात करते हैं आगे कुछ महिलाओं से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकिता चतुर्वेदी, मैं दिल्ली महिला कांग्रेस से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये महंगाई मुक्त भारत जो नारा दिया गया है आदरणीय सोनिया गांधी जी द्वारा, जो कांग्रेस अध्यक्ष, उनके द्वारा जो नारा दिया गया, इसमें ऑल ओवर इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान भर में कांग्रेस जो है इस तरह के प्रदर्शन लगातार, जिस तरह से रोज सुबह आप उठते हैं, आँख खोलते हैं और आपका बजट जो है वो 5-10 रुपए से रोज बिगड़ा होता है, और हर चीज में बिगड़ा होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही चीज का दाम बढ़ रहा है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मेरे अंदर बॉडी में अगर खून बह रहा है तो वो सर से लेकर पैर तक इकट्ठे बहेगा, उसके अलग अलग स्लॉट्स नहीं है। तो वैसे ही जो महंगाई है वो मेरी पूरी बॉडी में असर कर रही है, देश की पूरी बॉडी में कर रही है। सिलेंडर पे भी है, फ्यूल पे भी है, राशन पे भी है, फल फ्रूट पे भी है, शिक्षा पे भी है, हर तरह से। तो जो डिमांड और सप्लाई वाली बात है, मेरी जरूरत जो है वो रोज की अगर 5,000 रुपए की है और मेरे पास जो है 4,000 भी नहीं जुटा पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कमी को पूरा करने के लिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो सरकार वो कंट्रोल अपने हाथ में लिए, इसलिए महंगाई भारत का नारा जो है उसके अंतर्गत हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है? हमारा यहाँ बात यही है कि महंगाई पेट्रोल, आज हमारा यहाँ एकत्रित होने का यही तात्पर्य है कि हम पूरी तरह से महंगाई से टूट चुके हैं और हमें महंगाई मुक्त भारत चाहिए। हम सिलेंडर से, सब्जियों से, राशन से, फ्यूल से, हर चीजों से परेशान, तंग हो चुके। एक बार दाम नहीं बढ़ाते, हर रोज हमें खबर मिलती है आज गैस में इतना बढ़ा, आज सिलेंडर गैस में इतना, सीएनजी में इतना है, आज राशन में इतना है। अब देखो नींबू, देखो 4-5 दिन पहले 250 रुपए केजी था, अब 350 रुपए केजी है। ये हमारे रोज दिनचर्या की जरूरत के लिए है। तो हमारा यही है कि हमें अपना महंगाई मुक्त भारत चाहिए, उसी के लिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया। आपके हाथ में ये पोस्टर है, इसके द्वारा आप क्या कुछ बताना चाहेंगे हमारे दोस्तों को? देखिए, मैं कहना चाहूंगी जब भी फ्यूल बढ़ता है तो वो हर चीज को इफेक्ट करता है, सब्जी को, राशन को, हर चीज को, क्योंकि दिन प्रतिदिन आप सबने देखा कि जब 5 स्टेट में इलेक्शन थे, पेट्रोल के दाम इन्होंने थोड़े बहुत रोके हुए थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट आया, तुरंत पेट्रोल के, डीजल के, सीएनजी के, सब चीजों के दाम बढ़ने शुरू हुए, गैस के। अब आप बताइए, सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर चीज, एक महिला होने के नाते मैं कहूंगी कि सबसे जरूरी चीज है कि जब आपका पेट भरा होगा तभी आप काम पे जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए ये प्रॉब्लम हो गई है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दें, कि उनके पोषण पे ध्यान दें, और अपनी घर की रसोई को ठीक ढंग से चला नहीं पा रही है, क्योंकि बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं, सब्जी बहुत महंगी हो गई है, राशन, सिलेंडर, सब चीज पे असर पड़ रहा है। और अभी के दिनों में आपने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, सब्जी, राशन पानी सब पर, और आने वाले दिन में आप क्या कुछ और वो करना चाहेंगे इस पर? देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब भी मतलब फ्यूल बढ़ता है तो वो हर चीज को असर करता है, क्योंकि ये हमारा बहुमुखी देश है, कहीं से आलू आता है, कहीं से टमाटर आता है, कहीं से सोयाबीन आता है, कहीं से गेहूं आता है, तो वो जब तक हमारी रसोई तक पहुंचता है तो वो फ्यूल के जरिए जो जिस किसान से हम खरीदते हैं, उस किसान से लेके हमारी थाली तक पहुंचते पहुंचते वो इतना महंगा हो जाता है कि धीरे धीरे हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में ये महंगाई इसी रफ्तार से बढ़ेगी, जबकि 2014 का इलेक्शन मोदी जी ने ये कह के लड़ा था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, और ये नारा हमें नहीं पता कि कहां गुम होता जा रहा है। मैं खुद सिटिंग काउंसलर रही हूँ साकेत जैसे एरिया से, लाडोसराय जैसे एरिया से, अब जब सिलेंडर जरा सा बढ़ता था, पेट्रोल जरा सा बढ़ता था, बीजेपी की लीडर सिलेंडर को लेके सड़कों पे बैठ जाते थे, साइकिल लेके निकल जाते थे, प्याज आलू टमाटर गले में पहन के बैठ जाते थे, आज वो सब गायब है, कहां गए? क्या महंगाई उनको असर नहीं कर रही? हमारी सीतारमन जी कहती है कि मैं तो प्याज लहसुन खाती ही नहीं हूँ, वो नहीं खाती, लेकिन
हमारे रसोई में तो सब चीज चाहिए, वो क्यों नहीं सोचती इन सब चीजों के बारे में? तो आपने जाना कि किस तरह महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है? बने रहे लाइव न्यूज 100 के साथ, मैं साक्षी।